गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्या मार्केट गुरुकुल। एंड आज हम आपका जो आज का जो ट्रेड है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज का दिन वॉज काफ़ी अच्छा था। आज के दिन में जहाँ पे हम देख सकते हैं अराउंड की 9000 के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट बना। तो मोस्टली यहाँ पे HDFC एंड कोटेक बैंक वेयर द टू ट्रेड्स जो मतलब काफ़ी अच्छे मतलब यहाँ पे उन्होंने रिवॉर्ड दिया। एंड रिलायंस में एक तरह से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ, इट डिडंट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। एंड स्कॉट्स में देयर वाज स्कल्पिंग, स्कॉट्स और टीसीस में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये दोनों थोड़े से स्कल्पिंग टाइप के ट्रेड्स थे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम इतना मतलब स्कॉट्स में नहीं मिल रहा था। और टीसीएस में आज एक्चुअली ये जो दो ट्रेड्स थे, यहाँ दो ट्रेड्स हैं इसलिए आपका एवरेज ऐसा यहाँ पे दिख रहा है 1969। एक ट्रेड लिया था अराउंड 1960 के अराउंड एंड ये दूसरा ट्रेड अभी जो क्लोजिंग के टाइम पे मैंने अभी लिया था अराउंड 1981 के अराउंड 1981.5 पे क्लोज लिया था। बट उसका भी लॉजिक जो है, तो दिस इज STBT जो ये पोजीशन एक ओपन है और ये दो ट्रेड से उसका एवरेज जो है आपको अराउंड 1969.75 आपको दिख रहा है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्रेड से। तो सबसे पहले जो ट्रेड था यहाँ पे TCS का ट्रेड था और TCS में एक्चुअली जो ये रैली थी वो थोड़ी मिस हो गई हमारे से, तो वी वर इसको हम ट्रैक नहीं कर रहे थे TCS को। एंड यहाँ पे जब एक जो सेल ट्रेड बना था अराउंड, तो ये जोन में जब यहाँ पे वो डबल टॉप बना के जब यहाँ पे गिर रहा था तो इस कैंडल के अराउंड सेल किया था। बहुत छोटा स्टॉप लॉस था अराउंड, मतलब पकड़ लीजिए 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो उसके बाद फिर आई वॉज राइट ट्राइंग टू राइट ओवर हियर, यहाँ तक मैं राइट करने का मतलब एटलीस्ट ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पे क्योंकि वो स्टॉल हो रहा था यहाँ पे, तो इसीलिए 5 points लेके फिर मैं निकल गया, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से वो स्टॉल हो रहा था और स्टिल इट वॉज अ कॉन्ट्रेरियन ट्रेड। तो ऐसे कॉन्ट्रेरियन ट्रेड्स में फिर देन इफ आपको नहीं मिल रहा है वो, अगर वहाँ पे अगर स्टॉल हो रहा है किसी लेवल पे, तो इट्स बेटर कि आप एग्जिट करें। तो ये एक सेकेंड टाइम सेकेंड ट्रेड यहाँ पे क्लोजिंग पे लिया बिकॉज इसका एक रीजन है। तो यहाँ पे अगर हम TCS को देखें उसके हायर टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है काफी बड़ा, तो इम्पोर्टेंट जोन है। जैसे यहाँ पे अराउंड यहाँ पे हम देख सकते हैं अराउंड यहाँ पे, राइट। तो ये जो जोन है ये TCS के लिए काफी रेजिस्टेंस जोन है और काफी नीचे से इनफैक्ट जो है डबल बॉटम बना के इसने रैली की। तो ये रीजन था यहाँ पे अराउंड कि ये STBT इसमें यहाँ पे करने के लिए कि एक जो कल एटलीस्ट क्विक बक्स आ जाएंगे, अगर ये थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है या फिर अराउंड 0.5-1% का जो मूव दे देगा, तो वो मूव फिर उससे हम मतलब कैप्चर करने के लिए वो STBT यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे थे क्लियर रेजिस्टेंस जोन पे भी थोड़ा सा एग्जॉशन आ रहा है यहाँ पे, एक वो कन्फर्मेशन भी यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा आने लग गए थे। तो ये जो था लॉजिक था उसके बिहाइंड का, अब वो कैसे परफॉर्म करता है वो कल पता चलेगा। एंड उसके बाद का जो ट्रेड था अराउंड स्कॉट्स में था, तो स्कॉट्स के ट्रेड में स्कॉट्स हमने यहाँ पे जो है ग्रुप पे भी यहाँ पे डाला था जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो स्कॉट्स ने यहाँ पे काफ़ी रेंज में लॉक था। तो जब ये रेंज से निकला तो इसमें वॉल्यूम्स अच्छे थे, काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम था, और ये जो रेंज से निकला यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जब रेंज में यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया तो एक तरीके से सेलिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हो गए थे। तो एक तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ इस जोन पे बाइंग किया, बट अगेन यहाँ पे ये मोमेंटम लूज करने लग गया था। तो क्योंकि मोमेंटम लूज करने लग गया था तो फिर उसके बाद जो है उसमें वॉल्यूम्स पूरे ही ड्राई हो गए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स पूरे ड्राई हो गए, तो उसकी वजह से फिर इस जोन में उसको एग्जिट कर दिया। बिकॉज और यहाँ पे एक उसने काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि जब ये इस जोन को उसने ब्रेक किया था नीचे, जब आप देख सकते कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम था, और उसके बाद उसने एक ट्रेंड ही स्टार्ट कर दिया। तो ये जो सेल ट्रेड था ये मिस हो गया, इसको मतलब डेफिनेटली ट्रैक करना चाहिए था। अगर यहाँ पे जोन से कभी आगे जाके ये ऊपर भी जा सकता था नीचे भी जा सकता था, तो ये जोन इसीलिए हमने मार्क किया था टेलीग्राम हमारे ग्रुप में, बिकॉज ये डिसीजन जोन था, इसके ऊपर या नीचे वो जब भी कोई मूव देगा विथ वॉल्यूम तो वो वहाँ पे काफ़ी एक बड़ा मूव दे सकता है। तो ये एक जैकपॉट ट्रेड हो सकता था,
डेफिनेटली आप जो है आप सब सेटअप सब कैच नहीं कर सकते, बट यस इसको अगर नोटिस किया था तो ये हमारी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इट वॉज नेग्लिजेंस इग्नोरेंस फ्रॉम आवर पार्ट कि अगर हमने इसको पॉइंट आउट किया था तो वी शुड हैव बी एबल टू ट्रैक इट। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था वो HDFC बैंक का जो था वो हम देखते थे। HDFC बैंक काफ़ी बढ़िया सेटअप था, उसने ब्रेकआउट दिया और जब ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट जब वो यहाँ पे दे रहे थे तो हम जनरली वी यूज टू टाइम फ्रेम्स फॉर आर एंट्रीज। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ एंट्रीज हम करते हैं 1 मिनट और 5 मिनट में। तो मॉर्निंग में जनरली हम 1 मिनट एंट्रीज में लेते हैं, तो उसमें अराउंड यहाँ पे एंट्री हमने यहाँ पे ले ली थी और उसके बाद फिर यहाँ पे अराउंड 8-9 पॉइंट यहाँ पे राइट करके जब यहाँ पे ये स्टॉल हो रहा था तो वो स्टॉल पे यहाँ पे हमने एक तरीके से बुक कर लिया। अगेन उसने यहाँ पे भी एक एंट्री दी थी, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट था, बट डेफिनेटली यही चीज़ है कि ये भी चीज़ जो है जब ये ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम के साथ तब इस टाइम स्क्रीन के सामने नहीं था, तो वो बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे। अगर जो है अगर आप कोई अगर स्टॉक कंसोलिडेशन में जा रहा है और वो मास्टर ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है तो ये मतलब ऐसे सेटअप तो आपको मतलब जैकपॉट ट्रेड दे सकते हैं एंड ऐसे सेटअप को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो ये सेकेंड ट्रेड हमारा HDFC बैंक का था और इसमें काफ़ी अच्छा ये मूव जो है वी फेल्ड टू कैप्चर इट। सो उस पर भी वर्क करना पड़ेगा कि अब जो है यहाँ पे अलर्ट्स वगैरह हम डाल के वैसे रख देते हैं ऑटोमेटिक अलर्ट्स कभी कभी, बट वो है कि अब इस टाइम मैंने नहीं डाला अलर्ट्स इस पर, तो ये एक तरीके से मेरी गलती थी। तो ये दो बहुत अच्छे ट्रेड्स मतलब उसकी वजह से मिस हो गए, एस्कॉर्ट्स और HDFC बैंक। रिलायंस एक्चुअली ये सेल ट्रेड था, रिलायंस अगर हम देखेंगे तो रिलायंस में जो है वो एक्चुअली एक तरीके से यहाँ पे जो था जब इसने इस जोन को अराउंड ब्रेक किया तो यहाँ पे इसको सेल ट्रेड जो है यहाँ पे सेल किया था, बट क्योंकि वो यहाँ पे आके ये स्टॉल होने लग गया था तो क्योंकि और यहाँ पे फिर कॉस्ट टू कॉस्ट जब इसने यहाँ पे वापस ब्रेक करके ये कर दिया तो कॉस्ट टू कॉस्ट फिर यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। और बिकॉज वो एक तरीके से उस तरीके का जो सेलिंग प्रेशर जो फर्स्ट टाइम जब दिखाया था उसने वो नहीं आ रहा था। उसके बाद अगेन इसमें बाइंग एंट्रीज भी इसने दी थी, काफ़ी अच्छी बाइंग एंट्रीज दी थी, तो जो बाइंग एंट्रीज थी अराउंड काफ़ी मल्टीपल जोन्स में इसने अलग अलग बाइंग एंट्रीज दी थी जो हमारे एंट्री सेटअप्स में बैठती भी हैं। बट यस ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आज अच्छे अच्छे सेटअप्स कैप्चर करने के बाद भी वी वेरेंट एबल टू राइड इट, नहीं तो काफ़ी और अच्छा प्रॉफिट्स उसमें हो सकता था। फिर उसके बाद कोटेक बैंक भी बहुत बढ़िया मूव और तुरंत मूव दिया है। द बेस्ट पार्ट अगर हम देखेंगे अबाउट आर सेटअप्स इज दैट जो हम ट्रेड करते हैं कि उसमें वेट टाइम इज़ वेरी नेगलिजिबल। तो कोटेक बैंक ने जब यहाँ पे जो है लेवल को ब्रेक किया था कंसोलिडेशन के बाद वो नीचे आया था तो अराउंड ये जोन में हमने सेल किया, ये जोन ये कैंडल जो है डोजी इस कैंडल में सेलिंग था, जैसे सेल किया था यहाँ पे तो वो अच्छा एकदम से प्रॉफिट में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराउंड वो 8 पॉइंट मूव हुआ है, बट क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव हुआ और एकदम से रिट्रेसमेंट उसने काफ़ी फास्ट दे दी तो अल्टीमेटली ये सपोर्ट जोन भी था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट जोन था इस स्टॉक का, तो वी एग्जिटेड अराउंड विथ 4.5 पॉइंट्स अराउंड, तो उसमें अराउंड 3600 का ये मैंने कैश में किया था बिकॉज फ्यूचर्स में जो है दो थे, मतलब एक हमारे क्लाइंट के अकाउंट भी है वहाँ पे फ्यूचर्स में एग्जीक्यूट हो गया, बट फ्यूचर्स में मेरे यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर डाल के रखा था वो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कैश में आई डिड बिकॉज कैश में मुझे तब वो प्राइस मिल गई थी, फ्यूचर्स में फिर बाद में मिली तो फिर हमने क्लाइंट के अकाउंट में जो था उसमें फ्यूचर्स में किया था। तो यहाँ पे जो है अराउंड एक और यहाँ पे इशू हो गया था कि जब ये ट्रेड था तब यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो वन ऑफ द रीज़न यही था कि थोड़ा सा वो 2 मिनट का, बट हाँ आप है कि ट्रेड का लॉजिक सही था तो उसमें कोई डरने की बात नहीं थी और उसने इजीली फिर नेक्स्ट कैंडल में ही काफ़ी बड़ा मूव दे दिया था। तो मेरी जो 2 स्क्रीन्स आई यूज़, तो एक स्क्रीन जो मेरी थी बड़ी स्क्रीन जो रहती है तो वहाँ पे मैं जनरली चार्ट देखता हूँ और छोटा जो लैपटॉप रहता है उसमें जनरली मैं ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए सिर्फ यूज़ करता हूँ। तो मेरे ऑर्डर्स जो हमारे क्लाइंट के जो ऑर्डर्स जो रहते हैं तो वो लैपटॉप के थ्रू हम लोग वहाँ पे डालते हैं। तो इस केस में जो है यहाँ पे अराउंड अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे इस जोन में वो काफ़ी स्टैग्नेंट हो गया और उसके बाद जब इसने जोन को ब्रेक किया तो वापस एक सेलिंग, आप देख सकते हो वॉल्यूम बहुत बढ़िया था, वापस उसने एक सेलिंग एंट्री दी थी क्योंकि ये वापस ये रेंज उसने यहाँ पे ब्रेक किया।
वही है कि अगर आप ट्रैक कर सकते हो और आपने उस सही टाइम पे आप रहे वहां पे जब उसने रेंज ब्रेक किया, तब अगर आप एंट्री ले सकते हो तो फिर आपको मार्केट काफी अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। तो ये रेंज में आज काफी स्टॉक्स रेंज में लॉक हुए थे दोपहर में, और उसके बाद एंड में काफी उन्होंने बाद में मूव कंटिन्यूएशन दिया था। तो ये हमारे एक्चुअली ट्रेड्स थे जो हमने लिए थे, और टेलीग्राम ग्रुप में जो हमारे जो ट्रेड्स थे अराउंड, तो टेलीग्राम ग्रुप में रिलायंस का जो सेल दिया था वो तो सेम जो हमने लिया था वहां पे। टाइटन जो था, टाइटन ने भी अच्छा परफॉर्म किया। टाइटन एक्चुअली जो ट्रेड था टाइटन एंड कैनरा बैंक, आज ड्यू टू लिमिट ऑर्डर इन फ्यूचर्स वो दो ट्रेड थोड़े मिस हो गए जस्ट ऑफ फाइन मार्जिन। सो यस, ये भी वन पार्ट ऑफ द गेम होता है कि समटाइम्स आपका जो ट्रेड्स है आप चाहते हो वो लेवल पे, तो वो थोड़ा सा ऊपर से या फिर उस वहां से निकल जाते हैं। तो टाइटन भी यहाँ पे एक तरीके से अच्छा, मतलब जो है ये डिसीजन जोन था उसका अराउंड जो हमने वहाँ पे मार्क करके दिया था, तो डिसीजन जोन को जब उसने ब्रेक किया तो हमारे 931 के अराउंड उसका रेजिस्टेंस था, वहां तक वो काफी फास्ट चला गया। उसके बाद उसने वापस रिट्रेसमेंट लेके नियरली डबल टॉप बना के वो रेंज में ही लॉक था, और एंड में जब उसने वहां पे आप देख सकते हो वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम काफी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो एंड में फिर वो सेलिंग वॉल्यूम जब इंक्रीज हो गया तो उसने वापस एक सेलिंग जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं यहाँ का जो सपोर्ट लेवल है उसका, वहां तक उसने काफी क्लीन मूव किया। यही चीज है आपको मार्केट में, ये है कि हर जगह ट्रेड लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस प्राइस एक्शन अगर आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और आपको पता है कि आपके कौन से डिसीजन जोन से कहाँ पे आपको कैसे ट्रेड लेना है, तो आपकी एक्यूरेसी आप काफी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड से वो सब है, तो ऐसे भी नहीं, मतलब हमें पता है कि हमें कब एग्जिट करना है क्या नहीं, सब प्रॉपर सेटअप जो है प्रोसेस फॉलो होता है, इसीलिए कंसिस्टेंटली मतलब आप मार्केट में तभी आप पैसा बना सकते हो। अगर आप रैंडमली कुछ इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो कि कहीं भी सेल कीजिए कहीं भी बाय कीजिए, या कोई इंडिकेटर बेस्ड अगर आप जो लैगिंग चीज आप यूज कर रहे हो उसकी वजह से आप कर रहे हो, तो फिर आपको वहां पे जो रहेगा आपका अकाउंट नियरली फ्लैट ही रहेगा। आप थोड़ा पैसे बना लोगे बट लॉन्ग टर्म में आपका ऊपर नीचे चलता रहेगा, और अगर आप बना भी रहे हो पैसे तो आपका जो पोटेंशियल होता है एक जो ट्रेडिंग से कमाने का जो पोटेंशियल होगा वो आपका लिमिटेड हो जाएगा। बिकॉज अगर यहाँ पे एम आपका ये होना चाहिए कि अभी, और ये जो ट्रेड्स ये सारे एक लॉट में ट्रेड्स है, तो एम आपका ये होना चाहिए कि आप धीरे धीरे अपना पोजिशन साइजिंग बढ़ाइए, राइट। ये सब चीजें अगर यही सच 10 लॉट में होते या 20 लॉट में होते तो यही सब यही प्रॉफिट एंड लॉस अराउंड 1 लाख 2 लाख आपका हो जाता वहां पे। तो स्लोली आपको वहां से प्रोग्रेस करना चाहिए, आपको आपके पोजीशन साइजिंग आपके रिस्क एपेटाइट में रहने चाहिए, डायरेक्टली फ्यूचर्स में मत कीजिए। आप धीरे धीरे पहले ट्रेड को सीखिए, प्राइस एक्शन या जो भी चीज़ आपको सीखना है सीखिए, आपकी स्ट्रेटेजी और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कीजिए, स्टॉक सिलेक्शन को आप बेटर बनाइए, और जब सारे फैक्टर्स आपको लगते हैं कि इन प्लेस है तभी आप ट्रेडिंग अपनी आप स्टार्ट कीजिए अच्छे से। बट वो भी है कि डायरेक्टली आप लॉट साइज अपने सब ज़्यादा मत बढ़ाइए, एक गोल सेट कीजिए कि पर मंथ अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो नेक्स्ट मंथ मैं 1 लॉट और बढ़ाऊंगा, अगर मैं नेक्स्ट मंथ प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं 2 महीने और उस पर उसी पे ट्रेड करूंगा 2 लॉट पे, उसके बाद मैं 3 लॉट पे आ जाऊंगा, फिर 4 लॉट, जैसे भी है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है बट आपको एक डिसिप्लिन चाहिए मार्केट में। जब तक आपके ऊपर डिसिप्लिन नहीं आती है तब तक आप मार्केट के लिए फिर जो है आप वहां पे नहीं कंसिस्टेंटली आप कमा पाओगे। तो ये एक चीज है कि हमारे यहाँ पे भी जो हमने आज देख सकते हैं यहाँ पे जो क्या ट्रेडिंग पार्टनर से काफी सेटअप्स यहाँ पे आए थे, जो भी सेटअप्स थे तो वो सेटअप्स हमने यहाँ पे HDFC बैंक वगैरह वो सब आइडेंटिफाई किए थे, तो कोटेक वगैरह ये सब आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पे हुआ था। तो जो 4 एंट्री टाइप्स है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो एंट्रीज है वो लेते हैं। और सबसे आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप यहाँ पे कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हैं। तो ये कम्युनिटी का पार्ट में बनने से अच्छा कि लाइव मार्केट गाइडेंस वहाँ पे आपको मिलेगा, और एक तरीके से ये क्योंकि आप सिमिलर माइंडसेट वाले जो ट्रेडर्स हैं या सिमिलर टाइप से आप जो ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ आप मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका इमोशनल पोर्शन भी कंट्रोल में रहेगा और आप काफी अच्छे से ट्रेड्स ले पाएंगे। एक तरीके से आपको कन्फर्मेशन भी मिलेगा कि आप जो ट्रेड ले रहे हो या आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो सही है कि नहीं वहाँ पर, राइट। तो उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है या इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अस फील फ्री, नीचे हमने यहाँ पे टेलीग्राम और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाले हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि आप की जो ट्रेडिंग जर्नी है यहाँ पे वो काफी बेटर एंड पॉजिटिव रहे। सो स्टे डिसिप्लिन, स्टे फोकस्ड, तो डेफिनेटली आप इस मार्केट में काफी अच्छा कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।